व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों की ये डिमांड रहती थी कि मैं हमेशा ही जर्सी काउज पे वीडियो बनाता हूँ। तो दिस इज़ द वीडियो ऑफ साहिवाल गायें, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। बहुत ही खूबसूरत फार्म है, छोटा सा फार्म है, और जो क्वालिटी ऑफ एनिमल इनके पास हैं वो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हिमाचल में ये हमारे फार्म है पालमपुर। इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग, ओनर से बात करेंगे पूरी, कहाँ पे ये फार्म है उनका, मैं एड्रेस भी आप लोगों को शेयर करूँगा। बट फार्म इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही छोटा सा फार्म है। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा डिटेल में, कितना दूध देती हैं, कितना खर्चा आता है, कितनी एज है, वॉक वॉक भी कराएंगे काउस का, ताकि आपको पूरी ये इंट्रोडक्शन मिल पाए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये क्या फीडिंग करते हैं, कहाँ दूध बेचते हैं, या क्या इनका अनुभव है अभी तक का, ये प्योर। और जो सबसे अच्छी बात, आपको मैं एक छोटा सा वॉक अराउंड करा देता हूँ उनके फार्म का। आप देखेंगे कितनी सुंदर इन्होंने ये खुरलियाँ बनाई हुई हैं, और ये देखिए छोटा सा काफ, और ये देखिए इनके जो बच्चे हैं कितने सुंदर ये हीफर्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, अंदर हमें वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि अभी दिन का टाइम है, बाहर मच्छर मक्खी बहुत है तो गायों को परेशान करती है। मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसपे हम लोग इनको बाहर खुला छोड़ के और इंट्रोडक्शन कराएंगे, बट अभी के लिए आप देखेंगे कितना सुंदर सेटअप, ये केजीज टाइप में इन्होंने बना के रखा है। कोई बहुत बड़ा ये स्पेस नहीं आपको दिखेगा, ये 16 फीट चौड़ा होगा और तकरीबन 30 से 35 फीट लंबा होगा। इसमें इनके 12 केटल्स हैं। आप इनकी हिफर्स की सुंदरता देखिए, और वेल मेंटेन्ड, कितने बढ़िया ये मेंटेन्ड है। क्या इनको खिलाते हैं, क्या फीडिंग इनका शेड्यूल है, ये देखिए, और बिल्कुल नीट एंड। आप नीचे भी देखेंगे पूरे फार्म पे इन्होंने मैट्स बिछा के रखे हैं, इस तरह से आप छत पे देखेंगे। यहाँ इन्होंने बांस का यूज़ किया है ताकि डायरेक्ट हीट गायों को नहीं पहुँच पाए। और ये इनकी बछड़ियाँ, ये सारे बछड़ियों का सेगमेंट है, और इस तरह से इनकी खुरली, खुरलियों में भी इन्होंने स्पेशली टाइल यूज़ किया है। देखो नमक गायों के लिए इन्होंने रखा है, और साइलेज तूड़ी का ये इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी साफ़ सुथरी खुरली, और साइडों में इन्होंने जाली लगा के रखी है ताकि किसी भी तरह के मच्छर और मक्खी नहीं आ पाए। और ये क्रॉस वेंटिलेशन इन्होंने दे के रखा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हिमाचल में स्पेशली कि क्रॉस वेंटिलेशन आप ज़रूर करें, हमें पंजाब की तरह या हरियाणा की तरह बड़े बड़े शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ का वेदर उस तरह का है कि उनको हाइट बहुत देनी पड़ती है। अगर हमारे लो हाइटेड शेड्स भी हैं जो हमें सूट करते हैं, उसमें हम अपर स्टोरी पे अपना वीट स्ट्रॉ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और क्रॉस वेंटिलेशन करके गायों को अच्छे से जो हवा का आवागमन है वो होगा, जिससे कि पशु हेल्दी रहेगा और वो अच्छा दूध भी देगा। तो इस तरह से ये छोटा सा सेटअप सॉरी, ये मैं बाहर से दिखाना चाहूँगा आपको। इस तरह से ये इनके शेड की आप देख पाएंगे, और इन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी लगा के रखे हैं। ये देखिए सीसीटीवी कैमरास भी लगा के रखे हैं, और ये बाहर भी दिखाना चाहूँगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आपको सामने ये नज़र आएगा। ये काउ ब्रश है, इससे गाय रगड़ती है तो उनको अच्छा महसूस होता है, जिससे वो मिल्किंग अच्छी करती है। तो इस तरह से ये बाहर का सेटअप इनका, अभी धूप बहुत है, और ये इनकी मिल्किंग काउस, आप देखेंगे इन काउस की हेल्थ भी देखेंगे आप कितनी बढ़िया। और ये देखिए खुरली, ये छोटा सा रूम, नीचे मैट्स आपको नज़र आएंगे, जितनी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। और ये देखिए आप हेल्थ देख सकते हैं काउस की, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए ये इस तरह से इन्होंने सेटअप करके रखा है, हीफर्स भी उसी में एडजस्ट हो गई हैं, और जो बड़ी बछड़ियाँ हैं इनकी वो भी इसी में एडजस्ट हो गई हैं। आपको वीडियो की क्लैरिटी में थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि अंदर का हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, बाहर हमारी मजबूरी है कि बाहर हम नहीं बना सकते। और ये देखिए कितनी सुंदर बछड़ी। तो अभी हम ओनर से बात करेंगे। नमस्कार सर। सर पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपने इतनी सुंदर ये बछड़ियाँ अभी तैयार करके रखी हैं, तो भी मैं कोशिश करूंगा सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दें, या परिचय लास्ट में देते हैं, पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि आप एक एक गाय को थोड़ा सा वॉक कराएं और उस गाय की पर्टिकुलर हमें जानकारी दें। तो सर अगर इन गायों से हम शुरुआत करें, तो इनको थोड़ा सा आप चलाएंगे,
तो व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा कि बाहर इनको वॉक करा के फिर अलग से मैं इंट्रोडक्शन इन गायों की इनसे दिलाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाम राधा है, गंगा है इसका नाम जी। हाँ जी, ये तीसरी बार में ब्याई है जी, बछड़ी की है इस बार इसने। अच्छा, ये मैं दूसरी बार में लाया था इसको। तो अभी कितना टाइम हो गया सर इसको काविंग किए हुए? ये भाई इसको 5 महीने से ऊपर हो गया। और ये कितना दूध देती है भाई? इस टाइम इसका ना अभी 10 लीटर दूध है। थोड़ा ये ऐसे तो इसका मिल्किंग एड जो है ऐसे 16-17 लीटर का था इसका, बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा एक लंबे हिट स्टेज पे आ गई थी ये जी, तो इस कारण इसने दूध थोड़ा जला। और सर आपको कितना टाइम हो गया करते हुए? मेरे को भाई 3 साल के करीब हो गया। वेरी नाइस। पहले मैंने थोड़ा इसमें सिंपल लिया था, 2-3 गाय रखी थी जी। उसके बाद फिर जैसे मेरे को अच्छा लगा इसका दूध, बड़ा अच्छा इसका जी। जब हमने दूध पिया इसका, उस घी खाया और इसका पनीर जब खाया हमने, तो ये बड़ा टेस्टी है भाई, दूसरों को मुकाबले छोड़ ही दो। ग्रेट। तो व्यूअर्स अब देखिए, आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी सी, बट आपको मजा आएगा क्योंकि जिस क्वालिटी की इनकी काउज है वो मार्वलस है। हिमाचल में भी लोग इस तरह से बढ़िया काम कर रहे हैं और एक जागरूक ये पशुपालक, मैं ब्रीडर ही कहूँगा इनको, क्योंकि मेजर फोकस इज ऑन ब्रीड। आप अडर टाइप देख सकते हैं, कितना सुंदर अडर इस गाय का। और ये देखिए हेल्थ आप देख सकते हैं, ये देखिए वेरी ब्यूटीफुल काउ। देखिए गाय भी थोड़ा सा जल्दी कर रही है अंदर जाने के लिए, पर आप अडर देख सकते हैं, कितना सुंदर अडर इस गाय का। अब हम दूसरी गाय आपको दिखाएंगे। शगुन राधा। अब इन्होंने सब गायों के नाम भी रखे हैं और शगुन इनके बेटे हैं जो अभी कॉलेज कर रहे हैं, बट अपने पापा की पूरी हेल्प करते हैं। और एक खास बात, ये खुद वैसे ट्रांसपोर्टर हैं, दिस इज़ नॉट हिज प्राइम बिजनेस, इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ये इनका शौक है। और शौक भी ऐसा है कि एक टॉप ब्रीडर जो रहता है उस लेवल का, इन्होंने जो काउज हैं तैयार करके रखी हैं। मैं अनडाउटेडली अगर हमारी वीडियो जी, हाँ जी, ये तीसरी बार भी आई है, ये भी इसने बछड़ा दिया है। ओके, और ये देखिए इनकी दूसरी गाय राधा, और अडर जो शेप है वो बहुत ही प्यारी है इनकी, तो इससे समझ आता है कि इनकी जो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड है वो कितनी बढ़िया है। वेरी ब्यूटीफुल काउ, आप देखिए। सर एक मिनट खड़ा करना इसको, ये देखिए। अब देखिए, अब ये मच्छरों की वजह से थोड़ा सा अंदर जाने के लिए छटपटा रही हैं। बहुत ही सुंदर गाय। अब इनसे बात करते हैं राधा के बारे में। ये राधा, सर ये राधा कितना दूध देती है भाई? राधा इस टाइम इसका जो मिल्क यार्ड था ना तीसरी बार का जी, तो इसने 14-15 लीटर दूध दिया। 14-15 लीटर। और कितने टाइम तक ये कंटिन्यूस दूध देती है भाई? कंटिन्यूसली तो ये मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो तो ये 10-11 महीने भी दूध नहीं। जैसे मेरे को खास नॉलेज नहीं है साहिवाल के बारे में, जैसे जनरली बोला जाता है या सुना है हमने कि जैसे ही ये देसी गायें प्रेग्नेंट होती हैं उसके बाद दूध एकदम से कम कर जाती हैं, सही है या गलत? इतना कम नहीं करती हैं, कोई बोलते हैं जैसे ये अब टाइम के हिसाब से 5वां महीना लगा इसको जी, इस गाय को 5वां महीना लगा हुआ जी, जी। तो ये गाय अभी भी मतलब 9-10 लीटर के बीच में चली हुई 5 मंथ पे भी। और ये प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है। कितने महीने की? 1 महीना हो गया इसको। तो अगर हम 305 दिन की कैलकुलेशन की बात करें जी, तो 300 इसका मिल्क यार्ड मैंने तो यही लगाया कि मतलब एवरेज देखी जाएगी। अब इसकी एवरेज मैं देखता हूँ 10 की चलती है एवरेज टोटल। व्यूअर मैं लास्ट में आपको ये कैलकुलेशन जरूर बताऊंगा कि 305 दिन में कितना प्रॉफिट हमें ये गाय देगी। तो 3000 लीटर की इसकी, तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम उनकी ये इस गाय के भाई ये बछड़ी है 3.5 साल की है, प्रेगनेंट है ये। अच्छा ये बछड़ी है अभी? बछड़ी है अभी ये। तो अगर 3.5 साल की, तो आप थोड़ा सा लेट हो गए इसको। हाँ भाई, ये ना थोड़ी साइलेंट हीट पे चलती थी जी, ये प्रेगनेंट लेट नहीं हो पाई जी। लेकिन ये अभी ये बछड़ी जो है एक नागर बुल की बछड़ी है, जो मतलब बहुत इसका ये है सुपर बछड़ा। अच्छा फेमस बुल है। आप देखिए बेल्ट देखिए हीफर की, थोड़ा सा लेट है ये एआई कराने में, बट कई बार होता है कि साइलेंट हीट का पता नहीं चलता है। हाँ जी। बट मैं इनकी भाई साहब की प्रेज करूंगा, एक ब्रीडर ही इनको कहूंगा, जिस लेवल के ही आगे बच्चे तैयार कर रहे हैं। और खास बात, ही इज यूजिंग सेक्स सीमन टू ऑल हिज काउज, सारी गायों को ये सेक्स सीमन यूज़ कर रहे हैं। हालांकि इनको 2500 रुपये के आसपास सारी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि लाना भी पड़ता है हरियाणा से, पंजाब से। ये बेस्ट बुल्स का सीमन अभी यूज़ कर रहे हैं अपनी गायों पे। और जब आप कैलकुलेशन करोगे, अगर आपका 2500 का सीमन पड़ता है और आपको 2 सीमन भी यूज़ होते हैं या 3 भी होते हैं, तो वो सस्ते ही रहते हैं, क्योंकि बछड़े का कोई यूज हो नहीं पाता। आप ये देखिए कितनी सुंदर ये हीफर है और कितनी बड़े साइज़ की ये
जब ये बच्चा देगी तो गाय बनेगी। वाह वाह, व्हाट अ साइज। क्योंकि सॉरी व्यूअर्स, मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि बाहर मच्छर बहुत है और जिस लेवल का कंफर्ट इन्होंने दिया है तो ये शायद एक मक्खी भी बर्दाश्त नहीं करती है इनकी गाय। तो अच्छा सर, इसके बारे में बताइए। हाँ जी भाई, बछड़ी है, इसका नाम ऐसे सोनी रखा हुआ, सोनी। जी सच में सोनी है। सोनी है सच जी, है ये जी। बछड़ी है ये जी। हाँ भाई, ये 7.5 महीने की गाभिन है। वेरी नाइस। हाँ जी, आपको क्या उम्मीद है सर कि कितना दूध ये बछड़ी दे? स्टार्टिंग में ये तो 15-16 लीटर क्रॉस करेगी स्टार्टिंग। अब ये देखिए, मैं इसकी अडल्ट की शेप भी आपको दिखाना चाहूंगा। थन कितने सुंदर है इसके, ये देखिए। अभी से इसने अडर बनाना शुरू कर दिया, बराबर थन भाई इसके। और बाद में इसका एक पूरा वीडियो भी हम बनाएंगे और आप देखेंगे इस, अभी इसका जो वेट है 4.5-5 क्विंटल के आसपास की नॉर्मल होगी। और अब सर आगे वाली को निकालेंगे। तो और देखिए, नीट एंड क्लीन फार्म, कोई हमें बहुत बड़े बड़े शेड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक गाय से, दो गाय से शुरुआत करिए, तीन गाय से शुरुआत करिए। जैसे जैसे आपको लगता है कि आप इस काम को कर पाते हैं तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे जो खास बात फार्मर की वो ये है कि ही इज़ यूजिंग सिंगल ब्रीड। आप किसी भी ब्रीड पर काम करिए, एक ब्रीड पर काम करिए या दो ब्रीड पर काम करिए, बट वो ब्रीड टॉप की होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इंडिजिनियस काउस के बारे में। असली मिल्क जो है वो ओरिजिनल में ही है ना। जी हाँ जी, कोई बोले कि अगर इसका डुप्लीकेट क्रॉस में जर्सी में और आप इसका मिल्क ढूंढोगे वैसा जी, तो वैसा नहीं मिलेगा। इवन मैं ये भी कोशिश करूंगा इनको देसी में भी क्रॉस नहीं कराना चाहिए। साहीवाल है तो साहीवाल, साहीवाल में क्रॉस कराना जी। तो ये साहीवाल है जी, ये 5वीं बार में जाइए, ये 5th टाइम में इसने बच्चा दिया है। और इसका भी आप देखिए, बहुत ही सुंदर अडर। इनकी सारी गायों की जो अडर क्वालिटी है, अडर शेप है, वो बहुत बढ़िया है। तो इससे पता चलता है कि ये ब्रीड की नॉलेज रखते हैं। अब आप इसको अब देखेंगे, ये देखिए, ये बड़ी शरीफ, ये बहुत ही शांत स्वभाव की ये इनकी गाय है जी। जितनी तारीफ की जाए इनकी कम है। ये कितना दूध देती थी भाई? इसने ना, जब मेरे पास ये, मैं इसको लेके आया था ना जी, तो इसने मेरे पास, मैं मतलब 13.5-13.5 लीटर दूध दिया इसने मेरे को जी। व्यूअर्स, लास्ट में मैं भाई साहब से पूछूंगा ये फीडिंग क्या कराते हैं इनको, वो एक बहुत ही अहम पार्ट है। मैं दूसरी साइड से इन बछड़ियों के लिए इंट्रोडक्शन लेता हूँ। और बहुत ही मतलब जितना कंफर्टेबल गायों को दे सकते हैं उन्होंने देने की कोशिश करी है। और सर, बछड़ियाँ निकल जाएंगी हमारी बाहर या परेशान करेंगी? ना, नहीं। तो ये एक एक बछड़ी को बाहर निकालेंगे जी। जी हाँ जी हाँ जी। और व्यूअर्स, मैं लास्ट में इनसे फीडिंग शेड्यूल भी इनका पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कितनी एज इस बछड़ी की भाई? है इसका नाम शिया है जी। हाँ जी, ये अभी 12 महीने की हो गई है। ये 12 महीने का बच्चा है? हाँ जी हाँ जी, 12 महीने का बच्चा है। और आप कितना दूध आपने इसको पिलाया भाई? स्टार्टिंग में ना इसकी मदर ना 2.5-3 महीने में एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। लेकिन ये अभी इसको, इस बेचारी को दूध नहीं मिल पाया है। फिर भी कितना दूध पिलाया? मतलब इसको 2 थन बराबर, जो मेरी आदत है कि हम जैसे 2 थन अपने लिए रखते हैं, 2 थन बच्चे के लिए रखते हैं। और कितने महीने तक रखते हैं भाई? ये तो 3-3 महीने तक रहते हैं बराबर। दैट मींस अगर एक गाय आपकी 15 या 12-13 लीटर दूध बच्चा पीता ही है, पीता है। बहुत बढ़िया बच्चे, देखो आप, वो दिखाई रहा है। 4-5 महीने के बच्चे वो दिखाई रहा है। वेट कर लो इनका, तो दिखाई आपको बिल्कुल मिल जाएगा अभी इनमें दोनों। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, अब ये शिया है भाई, शिया आओ बाहर आओ। जय बारा आ डरा दी जाए। ये देखिए, वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हीफर। ये 12 महीने की है ना? ये 12 महीने की। ये देखिए 12 महीने की हीफर। व्यूअर्स, आपको कैसी लगी? इतनी शरीफ ना। ये देखिए, जो मर्जी अभी से इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। इनके जींस ही ऐसे थे भाई जी, जींस जी, कोई जींस की बात होती है सारी। हाँ, जेनेटिक पूल तो मेन है। ये भी बात होती है कि जेनेटिक की प्रॉब्लम होती है, जो लात मारती हैं उनकी माँ भी ऐसी होती है। मन मन खोला, वाह मन मन खोला। ये इनकी सिया और आगे आ रही है इनकी मुनमुन। मुनमुन आई, जितनी तारीफ की जाए इनकी कम है भाई। ये जो बछड़ी है ये बीकानेर, बीकानेर की बछड़ी है ये राठी ब्रीड में भाई। अच्छा, ये राठी में है। देखो
इसकी ना जो नीचे की नेबल है जी वो मतलब 6 इंच से ऊपर है भाई जी। ये प्योर राठी है, प्योर राठी भाई, बीकानेर की प्योर राठी जिसको। अच्छा ये व्यूअर्स, मैं मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। और ये बछड़ी स्टार्टिंग में ना भाई, इसका ऑर्डर देखना अभी, ये 14 महीने की बछड़ी है, इसका नीचे का ऑर्डर देखना। ये कितने मंथ की आप लाए थे इसको? 2 महीने की भाई। अच्छा ये के साथ लाए थे इसकी, वेरी नाइस। इसकी ना बचपन में मां एक्सपायर हो गई थी। अच्छा इसकी भी? ये वैसे ही घूम रही थी वहाँ पर ना। अच्छा जी, मैंने ऐसे दिला के। कितने रुपए की खरीदी आपने? मैं उसको दिया था 10,000 रुपए लिया था उसने मेरे से। बहुत बढ़िया। और अभी क्या एज है इसकी? अभी भाई 14 महीने की हुई है। देखो व्यूअर्स, इतना कम्फर्टेबल इन्होंने देख के रखा है कि बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। आई एम सॉरी व्यूअर्स, ये डर रहे हैं आपसे और मेरे से डर। वाह वाह, दिस इज, ये बता रहे हैं राठी। और इसका आप नेवल देख सकते हैं कि कितना। एक मिनट खड़े करिएगा, मतलब ये इतनी सुंदर हैं कि इनसे नजरें नहीं हट रही हैं। ये एक बार हिट में आ गई है जी, अब ये दोबारा हिट पे आई। और इसका गल कंबल आप देखेंगे कितना आगे से जाके और इसके अडर तक ये पहुंच रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये राठी बताई आपने? ये राठी है, राठी, प्योर राठी, बीकानेर की राठी। वेरी नाइस, बीकानेर की राठी है। और वाह, व्यूअर्स मैं इनका रिपीट वीडियो शूट करूंगा जिनमें इनको बाहर खुली छोड़ेंगे। ये देखिए, अच्छा बच्चों का फीडिंग शेड्यूल क्या है आपका? बच्चों को क्या खिलाते हैं इनको? ये जो वाली 12-14 महीने की, ये हीफर। और हीफर कितना डालते हैं भाई? हीफर जैसे ना इसको 1 किलो जी बराबर डाल रहा है इसको, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को। नहीं भाई जी, 1 किलो टोटली, टोटली 1 किलो भाई जी। अच्छा और क्या खिलाते हैं भाई? साइलेज खिलाते हैं। साइलेज कितना? साइलेज जैसे कितना खा जाएंगी? शगुन एक किलो खा जाएंगी, ये 10 किलो बड़ी बड़ा 10-12 किलो खाती है टोटल दोनों, या एक एक ये वाली है? एक 10 किलो, ये टोटल ना बहुत थोड़ी डाल के दोनों मिलके ये 15-20 किलो खा जाएंगी शुक्र। नहीं उसमें आप प्लीज मेरे को एक, क्योंकि जो हेल्थ आपकी गायों की है व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूंगा, स्पेशली क्योंकि आपने फीड की बात करी। आप इसको 1 किलो फीड डाल रहे हैं, आधा सुबह आधा शाम को? मैं एक बार डालते हैं रात को हम फीड। अच्छा सुबह नहीं डालते, नहीं डालते फीडिंग को। व्यूअर्स ये देखिए अपने अपनी टेक्निक्स हैं और हर कोई अपनी टेक्निक्स में सक्सेस है, क्योंकि इन्होंने जैसे बताया हम लोग बात करते हैं 3 किलो फीड 4 किलो फीड साइंटिफिकली ऐसे बोला जाता है, बट ये ऐसा क्या करते हैं? ये शायद इनकी अफेक्शन इतनी ज़्यादा है अपने कैटल से, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम डिवोट करते हैं रात के 11 बजे तक अपनी कैटल के साथ। तो सर इनका मेरे को बताइए प्लीज कि तूड़ी कितनी आती है? तूड़ी एक एक पशु की, एक एक बछिया की? इस बछड़ी बड़ी बड़ाई 2 किलो तूड़ी खा जाएगी। 2 किलो तूड़ी दोनों टाइम? एक दिन का पूरेगा। और साइलेज कितना खाएगी? 7-8 किलो साइलेज रख लो इसका। 2 टाइम का? 1 टाइम? 2 टाइम का ही मतलब बोलने का मतलब, मैं 10 किलो साइलेज पकड़ के चलता हूँ, 2 किलो तूड़ी और 1 किलो फीड, मतलब ये इसका। और दूध आपने कितने महीने में बंद कर दिया था भाई? ये तो दूध इस पे आई थी, इसकी तो मां बेचारी की एक्सपायर हो गई थी ना। दूध पिया ही नहीं इन्होंने? 2 महीने से भी नहीं मिला पीने बेचारी ने 2 महीने। फिर भी आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है। मैंने भाई ना शुरू में इनको देखो मिनरल मिक्सचर देता हूँ मैं जी, बराबर इनको इकोटास देता हूँ मैं इनको बराबर, दो चीजें तो मेरी पक्की है। डिवॉर्मिंग आप टाइम से करते हैं? डिवॉर्मिंग मेरी टाइम पे है। बहुत बढ़िया। और मैं जैसे ये बछड़ियां तो मैं इनको आइवरमेक्टिन लगाता हूँ मेरे पशुओं में, देखो मक्खी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए है ना, आइवरमेक्टिन आप? आइवरमेक्टिन यूज करता हूँ 60 दिन वाला, हाईटेक वाला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या होता है अंदर के परजीवी मर जाते हैं और बाहर के भी मर जाते हैं, बाहर के। मेरा मेन मकसद ये था कि डिवॉर्मिंग जो मैंने मतलब आज तक कभी रिले नहीं किया है। बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, डिवॉर्मिंग इज द मेन थिंग। अगर डिवॉर्मिंग आपकी नहीं होगी, आप उनको कुछ बादाम भी खिलाओगे तब भी वो हेल्थ नहीं पकड़ेंगे। वेल डिवॉर्म्ड अगर आपका पशु होगा तो वो इस तरह से होगा। फीडिंग का इन्होंने बता दिया कि अपने हीफर्स को जो 12-14 महीने की उनको क्या खिलाते हैं। मैं छोटी बछड़ियों की भी बात करूंगा, बट प्लीज अभी आप मेरे को बताएं कि जो आपकी मिल्किंग कैटल्स हैं, दूध वाला पशु है, उनको कितनी फीड आप देते हैं भाई? वो ना डेली मतलब मेरा मतलब तूड़ी डाल के 25 किलो खाती है एक गाय, 25 किलो। तूड़ी कितना? 5 किलो तूड़ी जी, 18-20 किलो अपना ये साइलेज। साइलेज और फीड कितनी डालते? फीड भाई 3 किलो, मतलब जैसे 10 किलो दे रही है तो 2.5 किलो फीड दे रहा हूँ इस टाइम। एक टाइम है? 2 टाइम? एक टाइम की भाई। 5 किलो फीड आ गई नहीं, 2 टाइम डालते ना, एक टाइम की भाई 2.5 किलो। उनको भी एक ही टाइम डालते हैं? देख लो यही मेरे प्रोसीजर है मेरा। मैंने जब मैंने कंपनी वालों ने मेरे को बोला भी गाय को 15 लीटर दूध दे रही है, आप इसको 5-6 लीटर दूध डलाइए, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम आई, गायों में स्मेले की प्रॉब्लम आ गई। नहीं आप मेरे को एक रिपीट, क्योंकि मेरी भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही बात। एक जो मिल्किंग कैटल है आपकी, मान लो 12 लीटर दूध दे रही है, जो अभी आपकी दे भी नहीं है 10 लीटर दे रही है, 10 की बात करते हैं, 2.5 किलो फीड खाती है दोनों, 5 किलो फीड दिन की बस, 2.5 किलो सुबह टोटल, 2.5 किलो दिन, 2.5 किलो सिंगल गाय, 2.5 किलो दिन की रात की पूरी है जी, एक बार डालते हैं हम रात को बस। और उस गाय को तूड़ी कितनी डालते हैं भाई? 5 किलो तूड़ी, 5 किलो एक गाय को? एक गाय को, दो की बात नहीं कर रहे ना, एक गाय। और साइलेज कितना डालते हैं? 20 किलो साइलेज।
यानी 25 किलो 20 किलो साइलेज, 5 किलो तूड़ी और 2.5 किलो फीड, और उस पे आपकी गाय दे रही है 10 लीटर दूध दे रही है। तो एवरेज अगर हम बात करते हैं कि गाय ब्याने से लेके नेक्स्ट अगली काविंग तक या 305 दिन की बात करते हैं भाई, एवरेज ना 9-10 की रख लो इनकी, ना 9-10 की, हम 9-10 की मैंने तो व्यूअर्स ये इन्होंने बात की। मैंने एक मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर मैंने शुरू में बात की थी, इसके बाद मैं इनकी बछड़ियों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो है बट आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। मेरा ये मानना है व्यूअर्स कि अगर एक गाय एवरेज 2500 लीटर दूध 305 दिन में अगर देती है, आप पेंडाउन भी कर सकते हैं, तो एवरेज हमारी 8 लीटर बैठती है पर डे की, पर डे की 10 लीटर नॉर्मल है भाई, हम सर 8 लीटर पकड़ के चलते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप, मैंने जो कैलकुलेशन करी है, मैंने इस तरह से कैलकुलेशन करी है जो मेरे को समझ आता है, क्योंकि अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, इनका एक्सपीरियंस आपके सामने है, और मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं से भी अनसक्सेसफुल है। सक्सेसफुल इनका जो मेथड है, आप उस पर रिलाई करें नहीं करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इनकी बछड़ियाँ कैसे खेल रही हैं, लास्ट में बछड़ियाँ ज़रूर मैं दिखाऊंगा आपको बाहर निकाल के। तो मेरे हिसाब से जो 8 किलो दूध डेली का गाय देती है 305 दिन में, वो 2500 लीटर दूध बनता है। अगर फीड आप वो 5 किलो खाती है तो 33 रुपीज़ के हिसाब से 165 रुपये की फ़ीड बनती है। अगर आपके पास ग्रीन फॉडर अपना है, मैं दो चीज़ों पे कैलकुलेशन करूँगा, फीड, ग्रीन फॉडर और गेहूं का भूसा, और दूसरी कैलकुलेशन मैं बताऊँगा आपको साइलेज, गेहूं का भूसा और फीड, क्योंकि कहीं 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 पे हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो अगर आप हरे चारे पे हैं तो फीड आपकी 5 किलो, हरा चारा आपका 40 किलो, जिसकी कॉस्टिंग मैं नील कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप 4 से 5 पशु रखते हैं तो आपको, अगर आप लेबर हायर करते हैं तो आप पहले ही आप लॉस में चले जाते हो और आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आपकी अपनी ज़मीन है तो हरे चारे की कॉस्टिंग नील है जो कि 40 किलो है, और जो गेहूँ का भूसा है वो 3 किलो, 12 रुपये के हिसाब से 36 रुपये का आपका भूसा, 33 रुपये के हिसाब से 5 किलो फीड आपकी 165 रुपये की, तो टोटल कॉस्टिंग आपकी आ गई 201 रुपया। अगर ये गाय आपको 8 लीटर दूध दे रही है और 70 रुपये के हिसाब से आप दूध बेच रहे हैं, जो कि वैलिड है, 70 रुपये से नीचे अगर आप देसी गाय का दूध बेचोगे तो यू आर इन लॉसेस, तो आपको जो दूध की कीमत है वो 560 रुपये मिलती है, और 560 को माइनस 201 से करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 359 रुपीज़ इन अ डे। हर दिन आपको 359 रुपया एक गाय देके जाएगी, जो कि अगर आप मंथली कैलकुलेशन करेंगे 30 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,770 रुपया एक गाय देके जाती है इस पैटर्न पे। तो व्यूअर्स अगर 5 गायें भी किसी के पास हैं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक गाय अगर आपको 10,000 रुपया महीना छोड़ रही है तो 5 गायें कितना छोड़ेंगी। अब मैं बात करूँगा साइलेज, व्हीट स्ट्रॉ और फीड की। साइलेज 20 किलो खाया, 9 रुपये के हिसाब से 180 रुपये का साइलेज बना। तूड़ी का रेट, वीट स्ट्रॉ का रेट, गेहूं के भूसे का रेट वही 12 रुपए के हिसाब से 3 किलो 36 रुपए का। फीड अगेन 5 किलो फीड 33 रुपए के हिसाब से 165 रुपए की, तीनों को मिला के 381 रुपया 381 रुपीस बनता है। सेम प्रोडक्शन हमारी 8 लीटर ही आती है, 560 को माइनस करेंगे 381 से तो 179 रुपीस गाय छोड़ती है, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे क्योंकि आपको साइलेज महंगा आ रहा है। तो 179 रुपए के आसपास गाय ने छोड़ा, 30 से मल्टीप्लाई किया तो 5370 रुपीज़ आपको बनता है। तो आप हरे चारे की महत्व समझ सकते हैं, जहां आपने हरा चारा खुद का उगाया था वहां आपको 10,770 रुपये बन रहा था, जहां आपने हरा चारा नहीं था वहां आपके प्रॉफिट्स डायरेक्ट ही आधे हो जाते हैं, 5370 रुपये आपको बनता है। तो आप हरा चारा ज़रूर उगाइए, हरा चारा अगर आपके पास होगा तो आपके प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, फीडिंग शेड्यूल भाई साहब ने बता दिया, अब मैं इनकी बछड़ी, ये देखिए एक ये इनकी काविंग किया हुआ है गाय, ये कितना दूध अभी दे रही है भाई? फर्स्ट टाइमर है ये ना? जी हाँ जी, थोड़ी फर्स्ट, ये नहीं लेके आया था जी, थोड़ी तो ये मतलब इसकी अडर में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है ये भाई, इसका ना थन में बादी आई हुई थी जी, जी बाकी थन ठीक है, थन ठीक है, अंदर से दूध बढ़िया, कोई मतलब जी, और कितना दूध दे रही है अभी ना? ये फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइमर जो गाय है वो मतलब ऑर्डर का बाद थन में बादी देगी देगी। और कितना दूध ये निकालती है भाई? अभी तो इसका ना 5-6 लीटर दूध चला हुआ डॉक्टर साहब इसका, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये ना अभी ये जैसे लाया हूँ इसको, नहीं लेके आया हूँ तो ये मतलब थोड़ी फिजिकल में ठीक नहीं थी जी, ये मेरी गाय जैसी गाय नहीं थी जी, अगर जिस जगह मैं लेके आया हूँ उसने मतलब जो है उसने इसकी देख रेख ढंग से नहीं की हुई है। चलिए हाँ। पर आपके पास फिर भी हेल्थ इसकी बहुत बढ़िया, देखो आई कवर हो गई, बहुत बढ़िया। तो ये बछड़ियाँ वही बाहर निकल पाएंगी या परेशान करेंगी? नहीं नहीं, तीनों एक साथ निकल जाएंगी? नहीं, अलग अलग जाएंगी। अच्छा प्लीज एक एक करके आप इनको निकालिए, चल रहा है जोड़ा लास्ट ये देखिए व्यूअर्स, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ और इसके बाद मैं आपको बछड़ी पोलू, पोलू चलो आओ पोलू
आओ पोलू चलो। और जैसे नाम बोलते हैं तो ये दूध का टाइम नहीं है ना जी, जैसे दूध का टाइम होगा जैसे दरवाजा खोल रहे आवाज लगानी बोलू पोलू आएगा। वेरी नाइस सर, निकालेंगे बाहर। आप बोलू आ नैना नैना आओ बेटा आओ और ये जो बच्चा मेरे को सफेद, ये भी साहिवाल है या क्रॉस है? साहिवाल में ये मेरे को लगता है नहीं, इसका कलर जो है ना भाई ये ब्राउनिश आ रहा है, देखो जी रेड कलर आ रहा है इसका कलर। सॉरी भैया ये मंगला है भाई, ये मंगला है इनकी। वाह व्हाट अ ब्यूटी, 5 महीने की हुई भाई अभी, ये 5 मंथ्स का काफ है। इसको आप खड़े कर दीजिए प्लीज, ये खड़ी हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये 5 महीने की बछड़ी है। ये देखो कितने शरीफ है, ये देखो अभी से प्रैक्टिस है, अभी से अडर पे हाथ मसाज करते हैं तो ये कुछ नहीं कर कहती। बिल्कुल भाई, इनका ऑर्डर देखो अभी, ये देखो जी, आप ये देखो थनों में गैप देखो अभी, ये देखो थनों में गैप देखो इनका आपस में, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये 5 मंथ्स की है ना, ये 5 मंथ्स की, इसकी झालर भाई बड़ी मोटी है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए व्यूअर्स बहुत ही सुंदर काफ। वेरी ब्यूटीफुल काफ, वाह। ये शगुन है, अभी ये कॉलेज कर रहे हैं, पूरी हेल्प करते हैं पापा की। ये कितने महीने की? भाई गंगा की बेटी है। अच्छा ये जी, ये नैना है और इसकी एज कितनी है? भाई इसकी नैना की एज 4 मंथ है अभी। देखिए अब नैना के जो नैन हैं वो कितने खूबसूरत हैं, गल कंबल देखिए कितना बढ़िया, झालर देखिए इतनी कंफर्टेबल है कि धूप में ये आना ही नहीं चाहती। नहीं नहीं आएंगी ये। हाँ देखिए, वाह, आप अडर का भी देख सकते हैं, अडर की शेप जो है वो कितनी सुंदर अभी से, वाह। ये भी मार्केट, व्हाट अ ब्यूटीफुल काफ, पूरी शरीफ, वाह। आप इसका एटीट्यूड देख सकते हैं, हिफर का एटीट्यूड कितना बढ़िया एटीट्यूड इसका है, तो डाउन द लाइन ये कितनी सुंदर ये हिफर और गाय बनेगी। और अगर अच्छी ब्रीड की जो जेनेटिक्स हैं हमारे पास रहती हैं तो हमारा डेयरी फार्म हमेशा ही सक्सेसफुल रहेगा। एक बार इस तरह से घुमाना आप, क्योंकि जो इस बछड़ी में मेरे को एटीट्यूड नज़र आ रहा है वो बहुत ही सुंदर एटीट्यूड इसका। मुँह आप पल्ली तरफ होना प्लीज़, ये देखिए, आप एक परे ले जाओ प्लीज़। ये देखिए जो इसका खड़े होने का स्टाइल है, बस इस तरफ आप, ये देखिए, ये देखिए ये एटीट्यूड है इसका, वाह प्लीज। साहिवाल में एक ही पहचान है भाई, अगली टांगे छोटी किसी जी, पुट्ठा बजलिंग में थोड़ा सा। हाँ पुट्ठा काफी बढ़िया, एक ब्रीड इसमें ऐसी भी है भाई, उसका पुट्ठा जो है बिल्कुल नहीं बदला नीचे है। जी हाँ, एक ब्रीड ऐसी भी है साहिवाल जी, में जी, मेरी बछड़ी है जी, बताऊंगा आपको। वाह बहुत ही सुंदर। और ये लास्ट में इनका बुल है शायद, बछड़ी भी है। अच्छा बछड़ी है अभी, ये बुल है। अच्छा ये बुल है, भी एक और है। ये बुल कितने भाई? ये 5 महीने का हो गया, ये 5 मंथ्स का बुल है। और किसकी माँ? इसकी माँ राधा, राधा। अच्छा राधा का बच्चा ये आप रिटेन कर रहे हैं इसको? हाँ जी, ये अपने लिए रखेंगे बुल जी, ये अपने लिए बुल तैयार कर रहे हैं, इसको वही उसमें इसकी नसबंदी करवाएंगे जी, अपने हार्ट में छोड़ेंगे इसको। ये सिर्फ ये कोई यूज नहीं करेंगे इसका, ये शौक से पाल रहे हैं, बाद में नसबंदी गायों की ही डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। बट अगेन ही इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल नंदी, ये देखो भाई। पर भाई का जो सोच है वो सेक्सीमन की है, अगर इस तरह की सोच सभी लोगों की हो तो हमारे डेयरी फार्म जो हैं कभी भी घाटे में नहीं जा सकते, और जो स्ट्रे कैटल की समस्या है वो अपने आप ही वैनिश हो जाएगी, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इसके बाद एक लास्ट बछड़ी रहती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आय हाय एटीट्यूड ब्यूटीफुल भाई, ये अभी ये कोई भी नाली क्रॉस करेगा ना जी, वैसे नहीं क्रॉस करेगा जी, मैं जंप मार के क्रॉस। वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, चलो अब आपको लास्ट बछड़ी दिखाते हैं। कितनी छोटी सी जगह पे कितना बढ़िया सेटअप, इसका क्या नाम है? बछड़ी भाई मोना की है, जो 5वीं बार में ब्याही है जी, बछड़ी है जी जी, इसका नाम है, इसका नाम मोनी है, मोनी
ये कितने मंथ्स की है? ये भी इसको 5-6 महीने लग पड़ा इसको। वेरी नाइस। 5-6 महीने लगने वाला। वाह, ये भी 5 महीने कंप्लीट किए हैं इसने। और लेग शेप आप देख सकते हैं, ऑल ओवर बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इनके कलर पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं कितने सुंदर है, इनकी हम्प देख सकते हैं। वाह, ब्यूटीफुल भाई। हमारे बच्चों में देखो ना, ये सबसे बड़ी मिनरल मिक्सचर देने का एक फायदा है कि इनके बाल में आप लगा हुआ आप एक बार। ये भाई साहब बात कर रहे हैं, मिनरल मिक्सचर जितना बढ़िया दोगे स्किन अच्छी रहेगी, ऑल ओवर बॉडी में शाइन रहेगी, पशु ठीक रहेगा जी। बहुत सुंदर। हम लोग मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं। अब ये देखो पशु, आप हाथ लगाओगे ना तो ऐसा लगेगा यार क्या बोला है, हमारे बाल भी नहीं उठते दुखते हैं तो। हाँ बिल्कुल, ये देखिए। तो ये मैंने सारा व्यूअर्स आपको इनका सेटअप दिखाया। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, क्योंकि बाहर मक्खियाँ बहुत हैं, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे बाहर इनका वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने जो थॉट्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। भाई साहब से इनका नंबर, सर अपना आप एड्रेस बता दीजिए, और पालमपुर के सराउंडिंग्स में अगर किसी को साहिवाल का दूध चाहिए हो, और ये ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं, अगर किसी को बछड़ी चाहिए हो तो वो भी ये सेल करते हैं, क्योंकि ये बेसिक इनका पर्पस है अच्छे जेनेटिक पूल तैयार करके और लोगों तक पहुंचाना। सर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स या एड्रेस बता दीजिए पहले। ऐसे मेरा नाम संदीप है जी, मेरे को ऐसे घर पे लोग गांव में डिंपल बोलते हैं जी, डिंपल पटियाल बोलते जी। ऐसे तो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है अपना जी, ट्रक से मेरे अपने जी, और ट्रैक्टर रखा हुआ है। पहले तो गाड़ियाँ बड़ी ज़्यादा थी लेकिन मैंने सेल कर दी जी, अब इसी पे मेजर फोकस। अब फोकस भी गाड़ी भी है जी, ट्रैक्टर भी है एक, और ये भी है डेयरी। तो सर आपका एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस में यहाँ का है मतलब विलेज एंड पोस्ट ऑफिस भोरा है ये जी, भोरा। पालमपुर से कितना दूर है? पालमपुर से ये है अपना 22 किलोमीटर। और अपना नंबर क्या सर? मेरा नंबर 98058 जी, 27328 जी। तो नंबर सर ने दे दिया। व्यूअर्स आपको वीडियो कैसा लगा हो, किसी को इनसे बात करनी हो तो बात भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।